अपने बच्चों की डिमांड पे व्हाइट सॉस पास्ता एंड नॉर्मल जो हम लोग इंडियन टाइप का पास्ता होता है दोनों बनाने जा रहे हैं। और मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैं वो स्टाइल से नहीं कि मैं उसको बनाऊं, क्योंकि अब 9 बच्चों का है और मुझे जल्दी जल्दी बना के लोगों को डिनर में खिलाना है। तो मैं इतनी जल्दी जल्दी सब चीजों को मैं आपको दिखाऊंगी, जल्दी जल्दी काम कैसे करते हैं और उसको कैसे हम एक साथ जल्दी जल्दी दोनों चीजें तीनों चीजें भी इकट्ठा 2-3 काम कैसे कर सकते हैं। मैं इसकी शॉर्टकट्स दिखाऊंगी आपको कैसे करते हैं। बस मैंने सब तैयारी कर ली है, आप ये देख सकते हैं मैंने अनियंस काट के रख लिए हैं, गार्लिक रख लिया है, एक मिर्च ज्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये बच्चों के लिए है। चिली फ्लेक्स मेरे पास नहीं थे तो मैंने चिली फ्लेक्स सूखी चिली को ऐसे सारे बीज इसके निकाल के चॉपर में चॉप कर लूंगी। सबसे पहले हम लोग एक काम कर दें, पानी ले लिया है, पास्ता चढ़ा देते हैं उबलने के लिए। और मैं इसको जैसे ही साथ में इधर पानी उबलेगा इधर हम व्हाइट सॉस बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और थोड़ा सा इसमें मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा इटालियन सा स्वाद आए। पास्ता मुझे क्योंकि थोड़ा थोड़ा बनाना है दोनों तरह का, इसलिए मैं व्हाइट सॉस थोड़ी सी बनाऊंगी। जितना आपको बटर चाहिए है, मैंने यहाँ पर 2 स्पून बटर लिया है। उतना ही आपको जितना बटर होता है उतनी ही मैदा डालते हैं, 2 स्पून बटर लिया है तो 2 स्पून ही मैदा देंगे। और इसको हम भूनने नहीं देंगे, बटर को ब्राउन नहीं होने देंगे और इसमें हम मैदा भूनना स्टार्ट कर देंगे। स्लो स्लो भी करेंगे सारा काम क्योंकि जल जाएगा, वरना इसकी कुकिंग बहुत धीरे धीरे होती है। जितनी देर में ये धीरे धीरे कुक होगा हम यहाँ पर आपको दूसरे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया है और इसमें मैं सबसे पहले नमक डाल दूंगी थोड़ा 2 चम्मच, क्योंकि पास्ता में अगर पानी में ही नमक नहीं डालेंगे तो पास्ता में नमक नहीं फील होगा, अच्छे से नहीं आएगा। इसमें हम पास्ता बॉईल होने के लिए स्टार्ट कर दिया। क्योंकि 2 तरह का बना रहे हैं तो इसमें 10-15 छोटी छोटी बड़ी मिर्च मिला के 10-15 लेनी है। एक प्याज के थोड़े थोड़े टुकड़े, अब मैं सब कुछ इसी में ही कट कर लूँगी एक साथ। ये प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और ये एक बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए सिर्फ एक मिर्च डाल रही हूँ और इसको चॉप कर लेंगे। ये देखिए एकदम चॉप हो गया है, मैदा भी ऑलमोस्ट भून चुकी है, काफी पक चुकी है, बटर को देखिए पक चुकी है पूरी तरह से। इसमें 2 कप अभी तो 1 कप डाल रही हूँ मैं, इसको कंटिन्यूअसली चलाना है, कम सी रहने चाहिए और थोड़ा थोड़ा दूध डालना है।
क्रम्स ना रहने पाए, बिल्कुल अच्छी सी फिटी हुई इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चाहे तो इस वक्त इसको गैस को ऑफ भी कर सकते हैं। अगर बीच में जरा से क्रम्स आएंगे तो खाने में बहुत खराब लगेंगे। इसको कंटिन्यूअसली काट काट के चलाते हुए बनाते जाए। इधर हम अपने पास्ता का भी हाल देखेंगे, वो ऑलमोस्ट कुकिंग के प्रोसेस पे है, अभी हुआ नहीं है। इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है जैसे ही पकता है। इसमें 2 कप दूध पूरा पड़ गया। अब अभी मेरा पास्ता तैयार नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और नहीं पकाएंगे, वरना ये बहुत गाढ़ी होती जाएगी। पास्ता हमारा कुक हो गया है। इसको चेक करने का एक तरीका ये है, देखिए एकदम स्पंजी हो गया है और ज़्यादा वो आप इसको ऐसे चाकू से काट के देखिए, ऐसे इसके अंदर देखिए हल्की सी है लाइंस, जितनी वाइट थी वो ख़त्म हो गई है। अब इसको यहीं स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा वैसा मैशी मैशी हो जाएगा। इसको हम निकाल के सारा पानी और ठंडे पानी से धो देंगे। इसको हमने सारा छान लिया है और इसको ठंडे पानी से बस वॉश कर दिया, जिससे ये अब आगे रखों को बस कुकिंग स्टॉप हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल है और थोड़ा वेजिटेबल ऑयल है। इसमें आप जितनी भी ये प्याज हमें चॉप करिए ये डाल देंगे। अभी हम दोनों के लिए एक जैसा मसाला बना रहे हैं। ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ये दोनों के हिसाब से बनाना है, इसलिए इसको हल्का ही भूनेंगे, लाल नहीं होने देंगे, हल्का सौते सा करेंगे। और अब हम इसी देर में ये हो रहा है, हम इसमें अपनी जितनी सब्जियां हैं, मैंने कैबेज एंड कैप्सिकम यहाँ पर काट के रखी है। मैं बड़ी बड़ी नहीं डालती हूँ ताकि बच्चों को उसको भीन के निकालने का ऑप्शन ना हो, वरना बच्चे उसमें से निकाल देते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने दोनों चीज़ें मिला के बस मैं चॉप कर दूंगी। इसमें सब्जियां थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ ताकि बच्चों को पास्ता के साथ साथ कुछ हेल्दी वेजिटेबल्स भी पेट में जाएं। उसको अच्छे से चॉप कर दें। ये मेरा सारा चॉप हो गया है। अब हम थोड़ा सा ये जो अनियन है ये सौते हैं, ये इसको यहाँ निकाल लेंगे पास में, क्योंकि हमको इसमें तो सौते से डालना है और दूसरे वाले में आधी मैंने इसमें डाल दी है। कुक करूंगी, ज्यादा नहीं कुक करना है, इसको कुक कर देंगे, होने ही वाली है। अब हम इधर व्हाइट सॉस की तैयारी कुछ पानी कर देंगे। व्हाइट सॉस में थोड़ी सी ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्च, ओरिगैनो हर्ब, जो भी आपके पास हर्ब हो। खासतौर से अगर आपके बच्चे इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं तो ये इस टाइप की सीजनिंग्स थोड़ी ज़रूर ला के रखें, इसी से ही वो बाहर जैसा जो स्वाद है इन्हीं चीज़ों से आता है। गैस मैंने ऑन कर दिया एंड सॉल्ट। डाल देंगे
ये देखिए व्हाइट सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ये वाली वेजिटेबल्स जो सौते करी रखी हैं ये डाल देंगे। और वापस अपनी ये जो गैस है इसको ऑन करके थोड़ा सा इसमें ऑयल बढ़ाएंगे। ये हमारा यहाँ पर ये जैसे ही हमारा स्टार्ट हुआ हमने जो अनियन निकाला था वो इसमें वापस डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा और फ्राई करना है क्योंकि अपना इंडियन पास्ता भी बनेगा नॉर्मल तड़के वाला प्याज टमाटर वाला। व्हाइट पास्ता में हम व्हाइट सॉस में सॉरी हम पास्ता डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे, इतना डालेंगे ये इसमें कोटिंग ले ले। अगर आपको इसमें थोड़ा भी ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो थोड़ा सा गर्म दूध या हमारा जो पास्ता का पानी हमने हमारा बचा था जो पास्ता का पानी हमारा बचा था हमने उसको निकाला निकाल के रख दिया था उसको हल्का सा इसमें डाल के थोड़ा कुकिंग के लिए उसको ढकने के लिए क्योंकि वरना ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको रख देंगे। इसमें हम थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल देंगे, क्रश करके भी डाल सकते हैं आप और ऐसे कटिंग करके भी। मेल्ट होना है चीज़ आपकी अपनी डिश पे है आप जितना चाहें लेकिन थोड़ी डालें वरना ये बहुत ज़्यादा ही हैवी हो जाएगी। और इसको थोड़ी देर के लिए ढक दें स्लो। व्हाइट सॉस पास्ता तो ऑलमोस्ट रेडी है। अब यहाँ देखिए प्याज हमारी ऑलमोस्ट भुन गई है। हमने इसमें प्यूरी बनाई है, चार टमाटर बड़े बड़े ले लिए हैं और उसकी प्यूरी बना के रखी है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, टमाटर पक जाए इतना फ्राई करेंगे। इसमें भी हम थोड़ी सी ओरिगैनो डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट। कुछ थोड़ी देर भूनने देंगे। इस बीच में ये देखिए चीज़ हमारी मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है। अगर आपको ताज़ी ताज़ी खानी है तो इसमें आप ज़्यादा गीली नहीं करें, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम एग्जैक्टली सही है। ये देखिए बस चीज़ को पूरा मेल्ट होने दें। और अगर आपको इसको रख के खाना हो तो इसमें कम से कम एक कप घी वाला पानी डाल के हल्की गीली करके रख दें, नहीं तो ये जो चीज़ है ये एकदम टाइट टाइट हो जाती है, बहुत गाढ़ी हो जाती है। बस तो हम सर्व कर देंगे। मैं मैगी वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो अगर मैं चार पैकेट मैगी बना रही हूँ तो मैं इसमें तीन पैकेट ही मसाला जो मैगी में मिलता है वो डालती हूँ। बाकी मसाले मैं एक एक दो दो करके रोकती जाती हूँ। क्यों सारे इतने सारे मसाले खाए जाए, देखिए टॉप रेमन का, चिंग्स का, ये मैगी का, ये सारे मसाले उस वक्त एक साथ पेट में डालने से अच्छा है कभी कभी जब इस तरह की चीज़ें बनाई जाए तो उसमें कुछ अलग सा तड़का लगाने के लिए मैं इन मसालों का इस्तेमाल करती हूँ। आज मैं अभी बस इसमें एक पैकेट ये मैगी वाला जो मसाला रखा हुआ है वो मैं डाल दे रही हूँ। कोई भी आप डाल दीजिए उससे थोड़ा सा अलग सा स्वाद हो जाता है बच्चों के मन का। पेट में तो जाना ही है, आप जाए कल इकट्ठा क्यों भेजो, थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये मसाला मेरे इस तरह से काम बहुत आता है। अब इसमें मैं जो सब्ज़ी मेरी बची वो मैं बाकी की सारी सब्ज़ी बची हुई इसमें डाल दे रही हूँ। और थोड़ा ही भूनेंगे इसको
बहुत नहीं भूनना है सब्जियों को, सब्जियों का क्रंचीनेस उसमें रहनी चाहिए थोड़ी। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करते ही हम इसमें पास्ता डाल देंगे। इसमें ये जितना बचा हुआ पास्ता है ये डाल देंगे। और इसको मिक्स करके थोड़ी देर ढक के रख देंगे। और तो पास्ता में नमक पड़ चुका है, बॉईल करते वक्त नमक काफ़ी अंदर तक चला जाता है, इसलिए कम ही कम मसाले में डालते हैं। कुछ भी हल्का सा आपको अगर कम लगे तो आप ऊपर डाल दीजिएगा। मसाले में मैंने उतना ही डाला है जितना सब्जियों के लिए इनफ हो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डल जाएगा जिससे कि ये पास्ता के साथ फिर मिक्स होके इनफ हो जाएगा। देखने में बहुत ही यम लग रहा है, अपना इंडियन तो इंडियन ही होता है, मुझे तो इंडियन वाला ही ज़्यादा पसंद है, अपना प्याज टमाटर के तड़के वाला। और इसको हम थोड़ी देर ढक के ऐसे ही रख देंगे। 5 मिनट में ही ये थोड़ा सा मसाला अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा। बस इसको स्लो करके थोड़ी देर पकने दें, फिर ये रेडी है। ये मेरे दोनों तरह के पास्ता रेडी हैं खाने के लिए, और मेरे बच्चे भी तैयार हैं खाने के लिए, उनसे वेट नहीं हो रहा है। चलिए आप लोग अपना अपना जरा रिव्यू दीजिए, कौन से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सच बताइए, एकदम अपनी ऑनेस्ट राय दीजिए कि आपको व्हाइट सॉस पास्ता ज़्यादा अच्छा लग रहा है या नॉर्मल अपना तड़के वाला। Really? Okay, thank you very much. I am with red sauce. अरे वाह, मेरे दोनों बच्चे ना अलग अलग उसके हैं, एक को उत्तर पसंद है तो एक को दक्षिण, एक को ईस्ट पसंद है एक को वेस्ट। बहुत अच्छे बनाए, थैंक यू। बहुत अच्छे हैं, पर ऑफ कोर्स सबके अपनी प्रेफरेंस होती है। सही बात है, चलो आप लोगों को दोनों को पसंद आया ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा काम कितनी जल्दी हो गया, हमने 9 बजे स्टार्ट किया था, 9:17 मैंने एग्जैक्टली देखा था टाइम, और इस वक्त ठीक 10 बजा है और मैंने दो तरह के पास्ता बना लिए। और अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग ना करती तो और जल्दी काम हो जाता। तो मैं अगर आपको ये दोनों रेसिपीज़ और क्विक रेसिपीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज़ कमेंट अपने ज़रूर छोड़िएगा। थैंक यू वेरी मच।